एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूमी एंड हैप्पीनेस। दिस इज श्वेता एंड आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी ग्रोसरी या अपने राशन के सामान को डिसइंफेक्ट कर रही हूँ या कैसे मैं उसको सैनिटाइज कर रही हूँ। गाइज, ये मेरा तरीका है जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है। सो आइए देखते हैं एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। ये मेरा पैकेट है जो कि अभी डिलीवर हुआ है एंड ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं एंड ये डिसइंफेक्टेंट हाइजीन स्प्रे है जिसको आपको अपने बॉक्स के चारों तरफ अच्छे से स्प्रे करना है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद मैं इस पैकेट को 24 आवर्स के लिए एक सेपरेट स्टोर रूम में बंद करके रख दूंगी एंड 24 आवर्स के बाद ही मैं इस पैकेट को ओपन करूंगी। 24 आवर्स होने के बाद अब मैंने अपना पैकेट ओपन किया है। इस पैकेट में से मैं अपनी ग्रोसरी और वेजिटेबल्स को दो अलग सेक्शन में डिवाइड कर दूंगी। जो बॉटल्स हैं जिन उनको भी मैं अलग कर ले रही हूँ। हम फिर ये अपना बॉक्स साइड कर देंगे। देखिए, मैंने बॉटल्स, ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स अलग कर दिए हैं। ये है डिसइंफेक्टेंट हाइजीन स्प्रे जिसको मैं अपने हर पैकेट पर स्प्रे करूंगी एंड कुछ इस तरीके से मैंने नैपकिन बिछा लिया है जिसको मैं अच्छे से स्प्रे करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके मैं अपने पैकेट्स को इसके ऊपर एक एक करके रखती जाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हर एक पैकेट को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये सारे पैकेट्स मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। पैकेट क्लीन होने के बाद आपको इस एरिया को भी अच्छे से टिश्यू से पोंछ के इसको भी क्लीन कर देना है ताकि कोई भी वायरस नहीं रह जाए। अब मैं अपनी बॉटल्स को रनिंग वाटर में हैंड वॉश से वॉश कर रही हूँ अच्छे से 20 सेकेंड्स के लिए। आप डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हो। बॉटल्स क्लीन होने के बाद आपको सरफेस को भी अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। जहाँ पे मैंने अपना पैकेट ओपन किया था एंड सारी ग्रोसरीज निकाल के रखी थी उस एरिया को मैंने फिनाइल से पोछा मारा है अच्छे से। सो आपने देखा कि मैं किस तरीके से अपनी ग्रोसरी को डिसइंफेक्ट कर रही हूँ एंड आप ये सोच रहे होगे कि जब मेरा पार्सल डिलीवर हुआ था तो उसी टाइम पे मैंने उसको ओपन करके ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं किया। मैंने 24 आवर्स के लिए उसको एक सेपरेट स्टोर रूम में रख के उसके बाद ही उसको क्यों ओपन किया, वो इसलिए गाइस क्योंकि अब एक स्टडी पब्लिश हुई है एंड उसमें ऐसा बताया गया है कि कोरोना का जो वायरस है इट कैन रिमेन स्टेबल ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेसेस। लाइक कार्डबोर्ड पे वो 24 आवर्स के लिए रह सकता है, ग्लास पे हमारे घर में लाइक विंडो हो गई, ग्लास किया मिरर हो गया या कांच का ग्लास हो गया, उस पर वो 5 डेज के लिए रह सकता है। स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक पे वो 2 to 3 डेज के लिए रह सकता है एंड कॉपर पे वो 2 to 4 आवर्स के लिए परसिस्ट कर सकता है। सो इट्स बेटर कि जब भी आपके घर में पार्सल डिलीवर हो तो आप उसको 24 आवर्स के लिए एक सेपरेट स्टोर रूम में रख दें एंड 24 आवर्स के बाद ही उसको ओपन करें। इससे क्या होगा कि 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली उस पर अगर कोई वायरस होगा तो वो किल हो जाएगा एंड उसके बाद आप ये प्रोसेस फॉलो करके अपने सारे उसको डिसइनफेक्ट कर सकते हैं, उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। अभी तक किसी भी स्टडी में ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि कोरोना का जो वायरस है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स पे भी स्टेबल रह सकता है, बट इट्स अ गुड आइडिया कि हम अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी अच्छे से वॉश करें एंड उनको वायरस फ्री बनाएं। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे वॉश कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।